आपके सामने खड़ी है 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल अपग्रेड मॉडल TVS Raider 125 फोर्जा ब्लू कलर है, टॉप मॉडल है। तो गाइस इसी बाइक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में कि 2024 मॉडल TVS Raider 125 आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक जुड़ी हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सके। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे TVS Raider 125 2024 मॉडल में आपको क्या अपडेट मिलती है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह बिल्कुल फ्रेश कलर है, फोर्जा ब्लू कलर है TVS Raider 125 का, जो काफी बढ़िया लग रही है देखने में। तो गाइस आपको यह बाइक कैसी लगी है TVS Raider 125 फोर्जा ब्लू कलर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बात करते हैं इसके फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात, तो सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट लुक है काफ़ी बढ़िया निकल के आती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। जैसा कि यह 125 सेगमेंट में काफ़ी धमाल मचा कि यह बाइक रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको TVS आपके यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है जो कि 3D मिली है, नंबर प्लेट लगाने की जगह टर्न सिग्नल आपको जो मिलता है 12 वाट के हेलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको मिल जाती है और आर की आपके यहाँ पे ब्रांडिंग मिली है। और हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिला है कम्प्लीटली आपको LED हेडलाइट सेटअप मिलते हैं विथ LED डीआर के साथ, जो काफ़ी अच्छी लुक के साथ यह बाइक आती है जो 125 सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। अब बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो फ्रंट फेंडर मिले हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर जो ब्लू कलर है उसी कलर में आपको यहाँ पे फेंडर भी मिल रही है इस बाइक की। अब बात की इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, जैसा कि यह बाइक सिंगल डिस्क के साथ आती है तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक मिली है 240mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज मिलती है 17 इंचेस का अलॉय व्हील दिया गया है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर मिली है 90x90 70 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर लग मिलती है, तो इस तरह से इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। और गाइस इसकी साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर TVS की आपको लोगो मिल जाती है, ब्लैक फिनिशिंग आपको मिलती है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग दिया गया है। यहाँ पर आपको TVS की जो टेक्नोलॉजी है इंटेलिगो आपके यहाँ पे ब्रांडिंग मिली है और लेग गार्ड पर इस तरह की मिलती है। यहाँ पे आप देखें जो इंजन गार्ड मिली है बॉडी कलर में आपको मिल जाती है TVS की आपके यहाँ पे ब्रांडिंग मिली है, इसमें आपको किक नहीं मिल रही है। और इस तरह से आपके यहाँ पे ग्राफिक्स मिली है जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। और यहाँ पे 3D में आपको रेडर की आपको ब्रांडिंग मिलती है, ए पैनल आपको मिलता है मैट ब्लैक कलर में आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देखें एग्जॉस्ट कुछ इस तरह की मिलती है, काफ़ी बेसिक साउंड आपको यहाँ पर मिल जाती है। फुटपैक्स आपको जो मिलते हैं इसमें काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के, इसमें फुटपैक्स आपको ऑफर होते हैं इस बाइक में। अब बात की इस बाइक की रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो गाइस रियर में आपको सस्पेंशन इस बाइक में मिली है मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको लगे मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन रियर में भी ऑफर होती है इस बाइक में। और रियर ब्रेकिंग की बात करते हैं, रियर में आपको जो ब्रेकिंग मिलती है 130mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट आपको रियर में मिल जाती है। और व्हील साइज जो आपको मिलती है 17 इंचेस का आपको व्हील साइज मिली है, 100x90 70 सेक्शन की आपको टायर मिलती है। और गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो रियर प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल के आती है। टेल लाइट आपको जो मिली है LED टेल लाइट आपको मिल जाती है, ग्रैब हैंडल्स ग्रे फिनिशिंग के साथ दिया गया है। यहाँ पे आप देखें ग्लॉसी ब्लैक कलर मिलती है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर जो मिली है बल्ब वाले इंडिकेटर अभी भी आपको यहाँ पे मिल रही है। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल के आती है। जैसा कि यह फोर्जा ब्लू कलर है, इसका जो फ्यूल टैंक आपको मिलती है ब्लू कलर में आपको इसकी फ्यूल टैंक मिल जाती है। जैसा कि टॉप मॉडल है तो यहाँ पे स्मार्ट डैश कनेक्ट की आपको ब्रांड मिली है, यहाँ पे आपको TVS की लोगो मिल जाती है, ग्लॉसी ब्लैक कलर मिली है। तो इस तरह से आपको काफ़ी मशहूर इसमें फ्यूल टैंक लगी मिलती है, 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, E20 की ब्रांडिंग मिली है। यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाती है और हैंडल बार जो आपको मिलता है इस तरह से आपको इसमें हैंडलिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो आपको पासिंग लाइट स्विच, हैवी लोडिंग वॉइस कमांड का आपको फीचर मिलता है, इन्फो बटन आपके यहाँ मिलती है, टर्न सिग्नल हॉर्न का स्विच दिया गया है, इस तरह से आपके यहाँ पे ग्रिपिंग मिली है। और राइट साइड में आपको पावर और इको मोड का स्विच मिल जाता है, मेनू का ऑप्शन मिलती है और सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट आपके यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करें इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है फुल डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर होती है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स के साथ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसा कि आपको पावर और इको मोड मिल जाती है, यहाँ पे आप ब्लूटूथ को पेयर कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेशन मिली है, इसके साथ आपको डिजिटल टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स भी आपको मिल जाती है, जो TVS की राइड करंट ऐप है उससे पेयर करते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाती है। सीट की तरफ आए तो गाइस इसमें आपको जो सीट मिलती है स्प्लिट टाइप का सीट दिया गया है, जो सीट हाइट आपको मिलती है इस बाइक में 780mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है। कुशनिंग की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी वेल कुशन इसमें सीट आपको मिल जाती है TVS Raider 125 में। साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर रेडर की ब्रांडिंग मिली है, जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो इंजन मिली है TVS Raider 125 में 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर BS6 फेस 2 ETFI आपको इसमें इंजन लग मिलती है, जो मैक्स पावर जनरेट करती है 11.2 bhp की पावर जनरेट करती है। और मैक्स टॉर्क आपको जो मिलता है 11.2 Nm की आपको टॉर्क मिलती है, 86,000 rpm पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलती है, तो काफ़ी पावरफुल काफ़ी रिफाइनमेंट आपके यहाँ पे इंजन मिल जाती है। और जो गियर बॉक्स आपको मिले इस बाइक में
5 स्पीड गियर बॉक्स देगा, साइड इंजन कर आपको फीचर्स मिलती है। इससे आपको यहाँ पर एसएसएस लग मिलती है जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का इसमें एसएसएस इंस्टॉल की गई है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इसका जो कर्वेट आपको मिलता है 123 केजी का इसका कर्वेट दिया गया है। ग्राउंड किस जो आपको मिलती है इस बाइक में 180 का ग्राउंड किस मिल जाती है। सीट हाइट आपको जो मिली है 780 का सीट हाइट दिया गया है। विड्थ की बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 785 का विड्थ दिया गया है। ओवरऑल हाइट जो मिलती है 1028 का ओवरऑल हाइट दिया हुआ है। व्हील बेस की बात करें तो इसका जो व्हील बेस आपको मिलता है 1327 का व्हील बेस आपको मिल जाती है इस बाइक की। अब बात की इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस निकल कर आ रहा है वाराणसी में 1,20,000 से 1,22,000 के बीच में यह कंप्लीट आपको मिल जाएगी। दोस्तों जो मैंने प्राइस बताया हुआ एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप टीवी शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। सो गाइस ये रहा टीवीएस रेडर 125 2024 मॉडल फोर्जा ब्लू कलर का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इस बाइक की ऑनरोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसे लगी ये बाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।